ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 2400 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। देश के हाईवेज के ऊपर रोड सेफ्टी के नाम पर 200-300 रुपए लूटने वाले अक्सर हमें मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि एक गाड़ी मालिक या गाड़ी चालक ने इन रोड सेफ्टी के नाम पर लूट मचाने वालों को ही भगा दिया हो। ऐसा ही कुछ हुआ है आज की ब्रेकिंग न्यूज में। दो गाड़ियों के नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बाबूलाल की है तो दूसरी राजूराम की। ये गाड़ियां मुर्गी दाना लेकर छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव से चली थी ओडिशा के कटक के लिए। 8 फरवरी 2021 की ये घटना है और इन गाड़ियों ने अभी छत्तीसगढ़ को क्रॉस भी नहीं किया था कि छत्तीसगढ़ के ही दुर्ग बाईपास पर इनको रोक लिया गया। किन्होंने रोका ये देखिए, गाड़ी आप इनकी बलेरो एक गाड़ी है। गाड़ी के बोनट पर रोड सेफ्टी से ताल्लुक कुछ सामान रख रखा है, एक फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है, बाकी रिफ्लेक्टर्स पड़े हुए हैं। गाड़ी के ऊपर कहीं भी आरटीओ या छत्तीसगढ़ सरकार या ऐसे ट्रांसपोर्ट विभाग ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, लेकिन ये शरेआम हाईवे के ऊपर गाड़ियों को रोक रहे हैं और उनसे 200 से लेकर 500 रुपया मांगा जा रहा है और बदले में ये एक पर्ची पकड़ाई जा रही है। 10 चक्का गाड़ी से 200, 14 चक्का गाड़ी से 300 तो 18 चक्का गाड़ी से 500 रुपया मांगा जा रहा है और ज्यादातर गाड़ी मालिकों को या गाड़ी चालकों को ये पैसे देने भी पड़ते हैं, लेकिन इस बार इनका पाला पड़ा था राजू राम और बाबूलाल से। भाई कहाँ से हो? दुर्ग से हो? आपको कौन सी पर्ची दे रहे हो, किस चीज का पर्ची है? नहीं मेरे को नहीं दिया। नहीं नहीं आप पर्ची काट रहे हो ना, पर्ची दे रहे ना, आपका वर्दी कहाँ है, आप कौन हो पहले ये बताओ। हाँ ठीक है, वह ठीक है ठीक है। वर्दी वाला कौन है? वर्दी वाला कौन है? वर्दी वाला ये दुर्ग बाईपास में ये धंधा चल रहा है। आप सुनो, आपकी गाड़ी 300 रुपए ले रहे हो, ऊपर से गाली दे रहे हो ड्राइवर को, ये कौन सा तरीका हो गया? मेरे को दो 300 रुपए वाली पर्ची मैं देता हूँ, 300 रुपए। नहीं पर्ची इसमें कौन सा, हम नहीं ले रहे, हमारे भाई हैं ड्राइवर, इसका मतलब इसमें हमारा एकता नहीं दे के आप किसी को गाली दोगे। बैरिकेटिंग नहीं है, कोई गाड़ी नहीं रुका था, एक्सीडेंट होगा, इसके जिम्मेदार कौन आप हो? हम तो चले जाएंगे, आप हो तो बोलो। हमारे को इन्होंने माँ बहन की गाली दिया, 300 रुपए उन्होंने मांगे, प्रूफ देते हैं उसी दम। आप अभी फिलहाल क्या चाहते हैं? अभी हम इनके ऊपर पहले बताएंगे ये आदमी है कौन, इसके सबके डॉक्यूमेंट देखेंगे, क्यों ये गवर्नमेंट कर्मचारी है कि नहीं है। ठीक है, 20 आदमी खड़े हैं, 20 आदमी खड़े हैं, इनको एक काम करो, गाड़ी में बिठाओ, गाड़ी में बिठाओ, बैठो साहब बैठो। ठीक है सुनो ना, पहले इधर कभी नहीं बोला ना, जाओ अभी राजू राम ट्रांसपोर्ट टीवी से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, हमारे व्यूअर भी हैं और खबरें भी ट्रांसपोर्ट टीवी को देते रहते हैं। जब इन लुटेरों ने रोड सेफ्टी के नाम पर राजू राम से पैसे हिंटने चाहे तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि तुम लोग हो कौन, पहले अपनी आइडेंटिटी बताओ, ट्रांसपोर्ट विभाग से हो, पुलिस से हो, आरटीओ से, कहां से हो? इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये बलेरो गाड़ी जिसका नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये किसी राजेश कुमार नंदा के नाम से रजिस्टर्ड है। गाड़ी के ऊपर आप ध्यान से देखें अगर तो आरटीओ या ट्रांसपोर्ट विभाग तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन शुभ लाभ लिखा हुआ है, जैसे किसी व्यापारी की ये गाड़ी हो और व्यापार ही ये लोग असल में कर भी रहे हैं। इन गाड़ी मालिकों की बात का जवाब देने की बजाय इन्होंने गाली गलौज वहां पर करना शुरू कर दिया तो गाड़ी मालिकों ने फोन करके पुलिस को वहां पर बुला लिया, लेकिन पुलिस का रवैया इतना हैरान कर देने वाला था कि पूरी बात सुनने के बाद पुलिस का ये कहना था कि तुम दोनों जो ड्राइवर हो तुम गाड़ी के अंदर बैठो, तुम्हें थाने लेकर चलते हैं। जब दोनों ने कहा कि ठीक है हम जाने के लिए तैयार हैं तो फिर उनको छोड़ दिया गया। इतने में ही वहां पर ट्रांसपोर्ट टीवी के साथ राजू राम की बात हुई तो ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने
ये जो रोड सेफ्टी के नाम पर वहां पर कुछ लुटेरे पहुंचे थे, इनसे बात हुई तो उनको कहा हमारी टीम ने कि ठीक है आपको जो आपके पैसे हैं 300-500 जो भी मांग रहे हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन आपको बदले में रिफ्लेक्टर देने होंगे जो ओके आपको गाड़ी पर लगाने भी होंगे। लेकिन वो सिर्फ पैसे लेना चाहते थे, बदले में सामान कुछ भी नहीं देना चाहते थे। जब ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम का फोन मौके पर पहुंच गया तो वहां पर ये रोड सेफ्टी के नाम पर जो लुटेरे आए थे और साथ में पुलिस, दोनों ही वहां से फरार हो गए। एक बात तो इस पूरे प्रकरण में ये साबित हो गई कि ये जो लुटेरे शरेआम हाईवे के ऊपर रोड सेफ्टी के नाम पर लूट रहे हैं ट्रक वालों को, इसके अंदर जो लोकल पुलिस है वो भी इनके साथ मिली हुई है। ऐसे ही नहीं किसी की हिम्मत हो जाती कि हाईवे पे ऊपर आपकी गाड़ियों को रोकना शुरू कर दें। आप सोच रहे होंगे कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये लुटेरे हैं, किसी रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट से नहीं आए हैं। अगर आपको भी इसकी तसल्ली करनी है तो इनकी दी गई स्लिप को अच्छे से देख लें। सबसे पहले तो जो टाइटल है इस पर्ची का उसके ऊपर लिखा है हाईवे रिफ्लेक्टर एंड इचिंग विंग ट्रैफिक कंट्रोल। ये पर्ची पढ़ने के और ये इचिंग शब्द देखने के बाद मैंने इंग्लिश की डिक्शनरी को अच्छे से देखा, क्योंकि मुझे शक था कि ऐसा कोई शब्द इंग्लिश की डिक्शनरी में होता ही नहीं है, और वही मैंने सही पाया कि ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। जब इचिंग नाम का कोई शब्द ही नहीं तो ट्रैफिक विंग कंट्रोल कैसे बन गया। इससे आगे पढ़ें आप तीसरी लाइन में, जहां पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स फॉर एवरी गुड्स कैरियर सेक्स लिखा हुआ है। हम नॉर्मली फॉर्म भरते हैं, वहां पर सेक्स का कॉलम होता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो ये गाड़ियों का सेक्स कब से चेक करने लगे रोड सेफ्टी वाले कि ये जो गाड़ी है ये मादा है या नर है। ये नई तरह की रोड सेफ्टी आई है। इससे अगली लाइन आप देखें, फिटमेंट रिफ्लेक्टर एंड अल्कोहल, शराब की भी फिटमेंट कर रहे हैं ये लोग। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने ये पर्ची बनाई है वो शायद 10 भी ढंग से पढ़ा नहीं है। तो इसी से साबित होता है कि ये किसी डिपार्टमेंट के लोग नहीं है, ये लुटेरे हैं जिनका साथ जरूर सरकारी डिपार्टमेंट दे रहे हैं और खास करके छत्तीसगढ़ की पुलिस दे रही है। जैसा कि हमने बताया कि ये घटना दुर्ग बाईपास छत्तीसगढ़ की है, तो डीजीपी छत्तीसगढ़ साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको तो एक मिनट में पता चल जाएगा कि कौन सा थाना इनको पड़ता है और कौन से थाने से ये पुलिस वैन आई थी जिन्होंने इन्हीं का साथ दिया, गाड़ी चालकों का साथ नहीं दिया। तो कृपया करके ये जो रिफ्लेक्टर के नाम पर लूट मचा रहे हैं उनसे पहले अपनी पुलिस वालों को आप जरूर दंडित करें और उनको पकड़ें और पूछें कि ये लुटेरे कौन हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।